किस तरह से गोदी में चढ़ गया। मैं ये खाते बैठी थी, पहले हर चीज़ इसको दो, है ना सोनू? हाँ, हर चीज़ पहले इसको दो, फिर अपन खाओ, है ना सोनू? ए सोनू, सोनू ये खाएगा? हाँ, ये चाहिए सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से ही होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर भाई आज फिर हम चले बाहर, तो आज भी ना मैं हस्बैंड के साथ जा रही हूँ ना बेटे के साथ, मैं अपनी एक और फ्रेंड के साथ जा रही हूँ जिसे मैं आप लोगों को आज ही मिलाऊँगी इंशाल्लाह ताला। तो ये भी काफ़ी पुरानी फ्रेंड है मेरे, और जब मैं यहाँ पर नई नई आई थी बहुत पहले, तभी इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत साथ दिए। उस वक्त मैं बहुत मतलब यहाँ पर नई थी, एकदम कुछ नहीं पता था मुझे यहाँ का, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की है। और मैं उनके घर पे ज़्यादातर जाती थी जैसे कि ये चले जाते थे जॉब पर, तो काफ़ी अच्छी मतलब हमारी फ्रेंडशिप है और वो काफ़ी फ्रेंडली भी है। तो फिर मैं आप लोगों को उनसे ज़रूर मिलाऊंगी इंशाल्लाह। जैसे कि मैंने आप लोगों को उस दिन बताई थी कि मैंने उस व्लॉग में बताई थी आप लोगों को कि मैं ईद मिलाद के लिए ड्रेस की लेस लेने जा रही हूँ, तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह लेस तो मिल गई मुझे मैचिंग, और अब वही ड्रेस को मैं सिलवाने जा रही हूँ। तो मैं तो यहाँ पर ज़्यादा किसी टेलर को जानती नहीं हूँ, तो इनके फ्रेंड की वाइफ है जो मुझे एक टेलर के पास लेकर जा रहे हैं, तो देखते हैं इतने कम दिनों के लिए वो मेरा ड्रेस लेते हैं या नहीं, क्योंकि शॉर्ट नोटिस पे टेलर लोग कपड़े नहीं लेते हैं। तो बस मुझे यही डर है कि पता नहीं वो मेरे कपड़े लेते हैं या नहीं। तो चलो भाई देखते हैं जो भी होता है, फिर वहाँ से हम थोड़ा राउंड लगाने जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत टाइम बाद वो भी बाहर निकल रहे हैं। मैं तो निकलती हूँ माशाल्लाह से, लेकिन उनके साथ मैं बहुत टाइम बाद बहुत सालों बाद बाहर निकल रही हूँ, तो भाई ऐसे तो हम आने जाएंगे। तो टेलर क्या तो खैर मैं नहीं लूँगी, क्योंकि किसी के भी घर जाके वीडियो लेना ठीक नहीं होता है, लेकिन हाँ हम बाहर जाएंगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि हम कहाँ कहाँ गए, क्या क्या खाए, ठीक है? तो फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ वहाँ अपनी फ्रेंड के साथ, और अपनी फ्रेंड से भी मिलाती हूँ आप लोगों को, ठीक है? तो आज मैं फिर आई हूँ यहाँ पर रसाद, तो ये है मेरी ओल्ड फ्रेंड जिनका नाम है रुखसा, तो ये मेरे हमेशा ब्लॉग देखते हैं और हमेशा लाइक और कमेंट भी करते हैं, सही है? राइट, ये बहुत अच्छे ब्लॉग्स बनाते हैं। तो आज मैं इनके साथ आई हूँ यहाँ पर रसाद, फिर से हम कुछ खाने, हम सिर्फ चाय पीने आए थे, पहली बार तो हम निकले हैं वॉक के लिए। राइट, वॉक के लिए निकल के हम खा पी रहे हैं, देखिए हमारी कैसी वॉक है, खाने पीने वाली वॉक है। तो हम निकले वॉक पर और अभी कुछ खाएंगे पियेंगे और फिर इंशाल्लाह यहाँ से निकल कर फिर हम वहाँ पर जाएंगे ईरानी चाय पीने के लिए। तो यहाँ पर समझ लो मेरा आना बार बार होगा, है ना? सही है ना? जब तक मैं यहाँ पर हूँ यहाँ पर मेरा आना बार बार होगा। तो बस अभी हमने क्या ऑर्डर किए वो भी मैं आप लोगों से बताती हूँ, सही है? तो ये मेरे बहुत बहुत पुराने बेस्ट फ्रेंड है, तो यहाँ पर जब मैं मीरा रोड में फर्स्ट टाइम आई थी पहले मुझे यहाँ पर कुछ नहीं पता था, तो इन्होंने मेरा बहुत साथ दिए हर जगह दिखाने के लिए, बहुत फ्रेंडली, इनका नेचर भी बहुत अच्छा है। तो बस अभी भी ये मेरे को सपोर्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि मुझे मैं सब यहाँ के रास्ते भूल चुकी हूँ, तो ये मुझे अपने साथ लेकर आए हैं। तो हम लोग ने टेलर के यहाँ गए थे पहले, फिर वहाँ से अब यहाँ पर कुछ खाने आए हैं, तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए हमारा ऑर्डर भी आ चुका है, यहाँ पर चिकन चीज़ बर्गर ऑर्डर की हूँ मैंने, और इन्होंने मंगाए हैं चीज़ सैंडविच, ओनली चीज़ सैंडविच है ये। तो बस फटाफट हम अपना ऑर्डर खा ले, है ना? फिर यहाँ से हम ईरानी चाय पीने जाएंगे, तो फिर वहाँ पे भी मिलते हैं हम आप लोगों को। ये देखिए फिर से हाजिर है हमारी ईरानी चाय, तो बस एक बार जो चीज़ उनको लग गई तो वो हमें बार बार चाहिए रहता है ना उसका भाभी, तो अभी आप लोग बार बार इसी चाय को, क्योंकि मैं हूँ चाय की शौकीन और उत्सार भाई में उत्सार भाभी मेरे से डबल है चाय के शौकीन। ये देखिए किस तरह ये चाय को देख रहे हैं, कब इन्हें चाय पीने मिले, क्योंकि मैं इन्हें रोक कर रखी हूँ कि मुझे वीडियो बनानी है। ये डबल डबल टेबल चाय के शौकीन है मेरे से ज़्यादा, बहुत टेस्टी भी रहती है। हाँ माशाल्लाह से बहुत टेस्टी रहती है आपकी चाय। तो बस अभी हम कुछ ही देर में चाय पियेंगे और यहाँ से निकलेंगे। तो बस चाय वगैरह पीने के बाद मैं इस फर्शन की दुकान पर आ गई हूँ, तो यहाँ पर बहुत ही फ्रेश सामान मिलता है, चिप्स वगैरह, केले का चिप्स और आलू का चिप्स वगैरह, चूड़ा, वेफर, जो चाहिए वो सामान अवेलेबल रहता है इस दुकान पर। तो इस दुकान का नाम मैं बस अभी थोड़ी ही देर में बताती हूँ। तो ये शॉप मेरे घर से काफ़ी करीब में है, तो मैं अक्सर यहाँ पर
सामान लेने आ जाया करती हूँ। तो क्या क्या ली हूँ मैं आप लोगों को घर चलकर बताती हूँ। फिलहाल तो मैं भी आप लोगों को दुकान का नाम बता रही हूँ। ये देखिए, ये है शॉप का नाम। तो देखते हो जैसे कि अभी जा रहे हैं अपने घर और मैं जा रही हूँ अपने घर। तो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, बाय। आ गई हूँ मैं अभी अपने घर। और ये देखिए क्या लाई हूँ मैंने, ये मैं बताती हूँ आप लोगों को अभी ये मैंने क्या लाई हूँ। तो इसमें एक चीज़ तो मेरे सुल्तान के लिए है और एक मेरे लिए। जैसे कि आप लोगों को जो मैंने पर्सन की दुकान बताई ना, तो बस यहाँ वहीं से मैंने ये ख़रीदी हूँ। तो क्या ली हूँ, पहले थोड़ी सांस ले लूँ फिर आप लोगों से बताती हूँ, ठीक है। और ये ली हूँ मैंने यहाँ से एक वेफर का पैकेट, क्योंकि मुझे वेफर के, आलू के वेफर बहुत पसंद है। ये देखिए, ये एक वेफर का पैकेट ली हूँ मैंने अपने लिए पर्सन की दुकान से। उसके अलावा ये चिक्की का पैकेट ली हूँ मैंने, ये सेम की चिक्की है, बहुत अच्छी होती है, तो मुझे और सुल्तान को बहुत पसंद है। तो ये देखिए वहाँ पे सुल्तान के क्या हाल हो रहे हैं, एकदम मचल रहा है। तो बस उसके लिए ये चिक्की का पैकेट ली हूँ, बॉर्बन बिस्किट ली हूँ मैंने, सब अपने और सुल्तान की पसंद का ली हूँ मैंने क्योंकि हम दो ही दिन भर घर पर रहते हैं, तो भाई हमें खाने पीने के लिए कुछ तो चाहिए घर पर, ठीक है, कोई होता नहीं हमें लाने के लिए। तो बस यही चीज़ें ली हूँ मैंने बाहर निकली तो अपने लिए। यहाँ पर बाहर से आने के बाद मैंने वापस चाय बनने रखी हूँ शाम की, क्योंकि वो क्या छोटे छोटे गिलास में थी चाय, तो मेरा तो जी नहीं भरता जब तक मग मैं आधा मग चाय ना पीऊँ तो, और घर की चाय तो चाहिए ही मेरे को। तो मेरा ऐसा है कि जितनी भी बार चाय पिलाऊँ मैं पी लूँगी, लेकिन चाय अच्छी स्ट्रांग होनी चाहिए तो ही पीऊँगी। तो बस अभी मैं वापस से चाय बनाने लगी हूँ शाम की, और फिर क्या है ये मोइन के पापा भी आ जाएंगे तो उनको भी चाय चाहिए रहेगा, तो इसलिए मैंने इकट्ठा चाय चढ़ा दी। ये देखिए मस्त मेरी चाय पक रही है, ये बन चुकी है मेरी मस्त वाली कड़क चाय। इसे निकाल लूँ अभी मैं मग में, तो ये चाय निकाल लूँ मैं अभी मग में। तो बातें करते करते आप लोगों से मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं, तो ये मेरी और हस्बैंड की चाय मैंने निकाल ली हूँ क्योंकि आज वो भी घर जल्दी आ चुके हैं। तो चलो फिर अब उन्हें भी चाय देते हैं, चाय को लेके चलती हूँ अभी मैं बाहर हॉल में। तो जब तक अपने घर के मग में चाय ना पी लूँ मुझे सुकून नहीं आता, तो सुबह में भी मुझे एक ही चाय चाहिए और शाम में भी, क्योंकि घर की चाय पीने में मुझे बहुत सुकून मिलता है इस वजह से। और दो ही टाइम वक्त, दो ही वक्त मैं चाय पीती हूँ, लेकिन क्या है कि थोड़ी ज़्यादा ज़्यादा चाहिए, बस यही है मेरा। मेरी शाम की चाय वगैरह, और बस अब मैं फ्री ही फ्री हूँ, कोई काम नहीं है मेरा, क्योंकि आज मैंने दोनों टाइम भिंडी मसाला बना ली हूँ दोनों वक्त का, क्योंकि क्या एक वक्त तो ये लोग रहते नहीं है तो मैं अकेली ही रहती हूँ, तो मैं वो खा लेती हूँ। रात में भी वही चल जाता है, कभी कभार सुबह बनाती हूँ तो फिर रात में अलग बनाना पड़ता है, जैसे कि रेसिपी फिर मैं डाल देती हूँ। तो बस यही बताना था आप लोगों को। तो अभी है व्लॉग एंड करने का टाइम, तो अगर आज आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही में बेल आइकॉन का बटन है उसे क्लिक करना ना भूले, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आप लोगों को कामिल ईमान नसीब फरमाए, और क्या बोलूँ मैं आप लोगों से, आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में शामिल करें। इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्द मिलूँगी एक नए व्लॉग या एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।